हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हमने आपको पिछले वीडियो में घन और घनमूल के बारे में बताया था, क्या घन होते हैं और क्या घनमूल होते हैं उसकी हमने आपको पूरी डिटेल बता चुके हैं। ठीक है, आज आप उसी के बारे में और अधिक चर्चा करेंगे और क्लियर करेंगे टॉपिक घन क्या होते हैं। ठीक है, तो आपकी एक्सरसाइज ये है 7.1। जैसे पहले निम्न संख्याओं क्या निकालने घन, क्या निकालने घन, तो देखिए पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है आपका ए। क्या है ए, इसका हमें क्या निकालना है घन। तो घन के लिए आपको क्या आता जाता, तीन बार गुणा किया जाता है। क्या किया जाता है, तीन बार। तो आठ का घन, आठ का घन बताइए। ठीक है, तो देखिए आठ का घन, तो घन की पावर कितनी होती है, तीन। कितनी होती है पावर, तीन। तो कितनी बार से लिखेंगे हम, तीन बार, एट गुणा एट गुणा एट। ठीक है, तो अब गुणा करेंगे तो आपका कितना हुआ, आठ गुणा आठ कितने होंगे, 64 इंटू आठ। या तो आपको याद हो उसमें लिखाए थे, आपको 15 तक लिखा दिए थे घन, तो सीधा सीधा भी लिख सकते हैं। या किसी कारण भूल जाते या आपको लगता है हमारा गलत हो रहा है तो आप मल्टीप्लाई कर लें। तो देखिए आठ आठ कितने हुए, 64। अब आठ गुणा फिर करना है तो आठ चौ 32, यहां से लगा तीन, तीन आठ छक्के 48 और तीन कितने हुए आपके 51, कितने हुए 512। तो आपका आठ का क्यों कितना आ गया, 512 आ गया। क्या आ गया, 512। ठीक है, कर सकते हैं आप। अगला आपका दिया है 13 का क्यू, सी का, 13 का घन निकालना है। क्या निकालना है, 13 का घन, 13 का घन कितनी बार लिखना है हमें, तीन बार। तो क्या होगा आपका, 13 गुणा 13 गुणा 13। ठीक है, तो देखिए 13 गुणा 13 कितने हुए आपके, 169 और गुणा 13। या तो घन याद हो तो कर लें, नानी तक वही तरीका गुणा कर लें। तो गुणा कैसे करेंगे, 169 में हम 13 का क्या करेंगे, गुणा इस तरीके से, 9 × 3 = 27, यहां से लगा के 3 × 2, तो 6 × 3 = 18 और 2 = 20, 6 × 3 = 18 और 2 = 20, यहां से लगा 2 और 3 × 3 कितना आ गया, 5। ठीक, अब फिर 1 का गुणा, 9 × 6 = 6 = 1, तो जोड़े 7 9 6 × 5 = 11, यहां से लगा 1, कितना आया आपका, 2197। यदि आपको याद है तो सीधा सीधा 13 का क्यू लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके आपके और भी हैं, जैसे आपका और दिया है आपका 46, कितना दिया है 46 का क्यू। तो आपको क्या करना है, तीन बार गुणा, 46 × 46 × 46 गुणा करेंगे, जो आपका आंसर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, घन हो जाएगा। ठीक, क्लियर। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है दिया होता है, जैसे आपका आपका नाम अगला क्वेश्चन देखे आप, ये तो आप क्लियर से आपको घन निकालने थे। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन से पूर्ण वर्ग हैं, कौन से पूर्ण वर्ग की बात कर रहा है इसमें। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग देख, क्वेश्चन नंबर 227 दिया है पहला, ठीक है, और आपका 216 दिया है, 216 दिया है आपका। ठीक है, और इसके आगे दिए हुए हैं आपके, तो बेटा देखिए आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित रूप में कौन से आपके घन हैं। दिए तो काफी हैं, मैंने आपके सिर्फ 4 ही पॉइंट लिखे। ठीक है, उसके अंदर तो लगभग आपके दिए हुए 12 क्वेश्चन दिए हुए, आप समझ लेंगे अच्छी तरीके से तो कर सकते हैं, सिर्फ आपको समझना है फिर आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो देखिए ये बताने कौन कौन से इसमें घन हैं। तो घन करने का तरीका, या तो आपको याद हो पिछले लिखा चुका हूं मैं आपको, तो आप सीधा सीधा आंसर हाँ लिख देंगे, ये घन है, यस नो, यस नो, यस नो लिख देंगे आप। जब नहीं मालूम है तो एक ही तरीका होता है, इनके फैक्टर करें आप। तो देखो 27 के फैक्टर करेंगे, किससे कटेगा, 3 से, 3 × 9 कट गया, तो देखो बन गया जोड़ा 3 का बन गया, तो ये क्या हुआ आपका, पूर्ण घन हुआ।
क्यों घन में क्या बनता है, जोड़ा बनता है कितने का, तीन में, और वर्ग पढ़ाया था तो वर्ग में जोड़ा बनता है दो का, तीन बन गए तो 27 आपका क्या हो गया, घन हो गया। तो लिख देंगे 27 पूर्ण घन है, ठीक है, आपका एक निकल आया पूर्ण घन है। अब आज 216, तो 216 यदि आपको याद हो तो अच्छी बात, नहीं ये तो इसी तरीके से आप करेंगे तो दो से काटेंगे, ये दो एक दो नहीं जाएगा, भाग टूटेगी जीरो, दो अट्ठे 16, फिर दो से काटेंगे 5, दो दूनी 4, फिर दो से काट देंगे 27 बार, फिर तीन से कट जाएगा 3 तरफ 9 बार, फिर तीन से कट जाएगा 3 तरफ 9, 3 एक 3, तो देखो क्या बन गए जोड़े आपके, 2 × 3 कितना बना जोड़ा, 2 और 3 तो कितना हो गया आपका 6। तो 216 भी आपका क्या हो गया, घन हो गया, 216 भी क्या हुआ आपका पूर्ण घन हो गया, क्लियर। अब आपका 1000 क्या करना है आपको, 1000 आप काटे 1000 कैसे कटेंगे, पहले 2 से 2 × 5 = 10 500, फिर 2 से कितने कटेंगे आपके 250, फिर 2 से काटे कितना कटेगा 125 बार, फिर 5 से काटे 5 × 10 = 25, फिर 5 से काटे 25 × 5 = 25, 5 × 5 देखो बन गया जोड़ा, देख 2 का जोड़ा बन गया, 1 3 का बन गया, तो कितना होगा 2 × 5 कितना आ गया 10, तो ये यार किसका बन गया, धनमूल आपका 10 का, ठीक है। तो ये आपका 1000 भी क्या होगा पूर्ण घन है, क्या है आपका पूर्ण घन है, ठीक। इसके बाद अब कितना रह गया 243, तो 243 काटो किससे कट जाएगा, ये 3 से, तो 3 × 24 3 × 1 = 3, फिर 3 से काट दें तो 3 × 2 = 6 कैसे गए 2, 3 × 7 = 21, फिर 3 से काटे 3 तरह 9 बार कट गया, फिर 3 से 3 तरह का 9 और 3 × 1 = 3, देखो एक घन तो बन गया, एक जोड़ा नहीं बना, एक और तीन होता क्यों, घन में तीन का जोड़ा बनता है, तो एक और रह गया, क्या रह गया एक कम रह गया, तो 243 क्या है, एक पूर्ण घन नहीं है। तो ऐसे पता कर लेंगे आप 243 पूर्ण घन नहीं है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, बताइएगा कि पूर्ण घन है या नहीं है, तो इससे पता कर लेते हैं आप लोग और निकाल सकते हैं। इस तरीके पूरी अक्सर आपकी 7.1 है, इससे आप क्वेश्चन करें, कहीं घन पूछा है, कहीं पूर्ण घन पूछा है, कहीं प्रांत संख्या घन पूछा है, तो ये सब चीजें आप अपनी किताब से क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीका से अपने लगा लें और अपनी प्रैक्टिस कर लें और इनको घन को याद कर लें बेटा। थैंक यू।